सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जब मैंने आपको आखिरी अपडेट दिया था तो मैंने आपको कहा था कि किस तरीके से ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जो लाइन है वो क्रॉस कर रही है यमुना रिवर को, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये जो आप सामने ब्रिज देख रहे हैं, इसी ब्रिज की मदद से यहाँ पर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन यानी कि इंडियन रेलवे का जो अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो क्रॉस कर रहा है इस यमुना रिवर को। इस तरफ है यूपी और इस तरफ है हरियाणा, और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है। तो इस ब्रिज का एक सिरा हरियाणा में है और दूसरा सिरा उत्तर प्रदेश में है। यूपी के दादरी से ही ये परियोजना स्टार्ट हो रही है और जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र तक। अब तक का इंडियन रेलवे का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इस देश के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी मदद से माल का ढुलाई का खर्चा तो कम होगा ही होगा, साथ ही साथ समय भी कम लगेगा। और मैं आपको बताऊं, इसके ऊपर से डबल डेकर मालगाड़ी गुजरने वाली है और वो भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तकरीबन 50,000 करोड़ की लागत से ये परियोजना बनाई जा रही है। इसे कंप्लीट करना है 2024 तक। कंपनी जो इसके ऊपर काम कर रही है वो है L&T। इस ब्रिज का निर्माण किया जा रहा था तब मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से नदी को डाइवर्ट करने के बाद इस ब्रिज का निर्माण किया गया था स्टील के गर्डर्स की मदद से। आज अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से ब्रिज तैयार हो चुका है और इस जगह पर इसके आसपास पटरियों को डालने का काम किया जा रहा है। इस वक्त वैसे तो मैं हरियाणा में ही हूँ और सिर्फ इस ब्रिज को अगर मैं क्रॉस कर जाऊँ तो मैं उत्तर प्रदेश चला जाऊँगा। 1500 किलोमीटर लंबा ये पूरा प्रोजेक्ट है, इसमें से 870 किलोमीटर पे काम चल रहा है, 630 किलोमीटर ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। जी हाँ, तो ऐसा नहीं कि इस पूरे 1500 किलोमीटर पे काम किया जाना है, ऑलरेडी 630 किलोमीटर का हिस्सा अप एंड रनिंग है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके आसपास और क्या कुछ काम किया जा रहा है। जब आप पास से देखते हो तब आपको पता चलता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कितना बड़ा है। और इस जगह पर वैसे अगर आप देखेंगे तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। नीचे वैसे कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऊपर पटरियों को डालने का काम किया जा रहा है तो नीचे नेट लगा रखा है ताकि अगर कुछ भी सामान गिरे तो वो नीचे ना आए किसी के ऊपर। जी, क्योंकि आसपास यहाँ पर खेत हैं तो किसान आपको देखने को मिलेंगे ही। उस तरफ है उत्तर प्रदेश। वैसे इस जगह पर देखोगे तो नदी में ज़्यादा पानी आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही थोड़ा सा एरिया है जहाँ पर आपको पानी देखने को मिलता है, लेकिन बरसात के दिनों में इन सभी जगहों पर पूरी तरीके से जो पानी है वो भर जाता है, तो इसी वजह से इस ब्रिज को इतना लंबा रखा गया है। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बांध भी बनाया गया है ताकि पानी का जो कटाव है वो ना हो इस तरफ से इस तरफ। दोनों तरफ ऐसे ही बांध बनाए हुए हैं और ये बांध तो पहले ही बनाया गया था। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पूरा ब्रिज है, ये पूरी तरीके से नया बनाया गया है। और इस ब्रिज के ऊपर अभी फ़िलहाल ट्रैक को डालने का जो काम है वो इस वक्त पे किया जा रहा है। चलिए ऊपर लेकर चलता हूँ आपको और फिर आपको इसका आखिरी में ड्रोन शॉट दिखाऊंगा, देखना कितना शानदार दिखेगा ये। तो ये है डाउन का हिस्सा, यानी कि ये जा रहा है यूपी के दादरी। जी, तो इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ट्रैक डालने का जो काम है ब्रिज के ऊपर वो कर लिया गया है। इस तरफ दूसरे वाले हिस्से पे अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर ट्रैक डालने का जो काम है वो किया जा रहा है। इस तरफ मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से आगे इसके ऊपर ट्रैक डालने का जो काम है किया जा रहा है, और उसके बाद यहाँ से जो स्टेशन है वो भी दिखाया था। ये यहाँ पर देखोगे तो स्लीपर्स डाले गए हैं ब्रिज के ऊपर, जो ये स्लीपर्स डाले गए हैं ये डाले गए हैं स्टील के। वैसे अगर आप देखोगे तो ट्रैक के ऊपर कंक्रीट के बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं स्लीपर्स, लेकिन ये ब्रिज का हिस्सा है इसी वजह से आपको यहाँ पर ये स्लीपर्स जो है वो देखने को मिलेगा पूरी तरीके से स्टील का। इसके बीच में यहाँ पर ये स्टील के फ्रेम्स भी डाले गए हैं। नॉर्मली अगर आप देखोगे ना तो क्लिप लगाया जाता है जी, लेकिन यहाँ पर ब्रिज का हिस्सा है इस वजह से यहाँ पर नट बोल्ट की मदद ली जा रही है ताकि ये जो हिस्सा है ना ये पूरा स्ट्रॉन्ग रह सके। और इस जगह से नज़ारा देखो, क्या कमाल का अद्भुत नज़ारा है। ज़रा आप कल्पना कीजिए, डबल डेकर मालगाड़ी जब यहाँ से गुजरेगी, यहाँ पर नज़ारे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और तो और मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर जब आप आओगे ना तो आपका दिल खुशी से झूम उठेगा ये सोचकर कि इस काम को इंडियंस द्वारा ही किया गया है। क्या कमाल का नज़ारा है। जरा यहाँ पर फिनिशिंग देखो भाई, ये देखो, वाओ। इसके ऊपर आखिरी में टीम भी आपको काम करती हुई नजर आएगी। मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसके ऊपर टीम काम कर रही है। ट्रैक को डालने का काम किया जा रहा है, साथ ही साथ ये जो नट बोल्ट है इसको भी लगाने का काम किया जा रहा है। बोल्ट लगाने के बाद इसको क्लिप लगाकर लॉक भी कर रहे हैं। वैसे अगर आप देखोगे तो ये छोटा सा स्पेस भी दिया गया है कि अगर सामने से ट्रेन आ जाए और लाइनमैन इस पर काम कर रहा है तो ये आराम से यहाँ पर जाकर खड़ा हो सकता है, इसी वजह से ये स्पेस दिया गया है। और जिस तरीके से इधर ट्रैक डालने का काम किया जा रहा है ना, ठीक इसी तरीके से इस तरफ भी काम किया जाएगा।
यमुना नदी के ऊपर ही काम किया जा रहा है इस वक्त पे ट्रैक को डालने का। तो यहाँ पर ट्रैक तो डाल दिया गया, अब इसके अंदर बोल्ट डालने का जो काम है वो किया जा रहा है। और टीम आपको इस जगह पर दिख भी जाएगी जो कि बोल्ट डालने का काम कर भी रही है पूरी तरीके से अलाइनमेंट को सही करने के बाद। थोड़ा सा और आगे जाऊँगा, जैसे ये ब्रिज का हिस्सा ख़त्म होगा तो मैं उत्तर प्रदेश में इंटर कर जाऊँगा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था। अब ये जब बोल्ट लगाने का काम करेंगे तो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये बोल्ट लगाने का काम किया जाता है जहाँ पर ये ब्रिज ख़त्म होता है और जहाँ पर ये अर्थवर्क का जो काम है उसमें मिलता है उस जगह पर पहले लेकर चलता हूँ। उसके बाद आखिरी में दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये जो पटरियाँ हैं ना इनके अंदर होल करने का काम जो है वो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। हरियाणा से मैंने स्टार्ट किया था, उत्तर प्रदेश में आ चुका हूं मैं। और थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो मैं दादरी जा सकता हूं जहां से ये परियोजना स्टार्ट हो रही है। टाउन वाले साइड अगर आप देखोगे तो स्लीपर डालने का काम भी हो चुका है, ट्रैक डालने का भी काम हो चुका है। अप वाले साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्लीपर्स जो डाल दिए गए हैं, ट्रैक भी डाल दिया गया है। ट्रैक को जो बिल्ड करने का काम है, आपस में इनको जो ज्वाइंट करने का काम है वो यहाँ पर अभी नहीं किया गया है। और साथ ही साथ इस वाले हिस्से पर इस तरफ अभी जैसा कि मैंने आपसे कहा इसको भी कनेक्ट किया जाना है। नीचे ये यमुना रिवर और उसके ऊपर से इंडियन रेलवे की डबल डेकर मालगाड़ी। मैं उस वक्त पे यहाँ पर आना चाहूँगा जिस वक्त पे दोनों साइड दोनों ट्रैक पे मेरे को ट्रेन देखने को मिले, वो सबसे बेस्ट होगा अप में भी और डाउन में भी। याद रखना हर वो जगह जहाँ जहाँ पर मैंने आपको इंडियन रेलवे का काम दिखाया है, यानी कि इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम दिखाया है, वहाँ पर मैं आपको लेकर चलूँगा और आपको दिखाऊँगा भी कि किस तरीके से वहाँ से जब ट्रेन गुजरता है तो नज़ारा दिखता है। तो ये जो मशीन देख रहे हो, इसी मशीन की मदद से यहाँ पर ये जो पटरियाँ हैं इनके अंदर होल करने का जो काम है वो किया जा रहा है। और ये वैसे मशीन है तो बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल है। और अभी ये काम किया गया है इसी वजह से आपको ये गोल्डन कलर का दिख रहा है और ये सिल्वर कलर का। चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।